यह तो सभी जानते हैं कि अभिषेक बच्चन अपने पिता की तरह इंडस्ट्री में नाम नहीं कमा पाए। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की। उन्होंने अपने अब तक के करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन फिर भी उन्हें असफल एक्टर का ही खिताब दिया जाता है। इन दिनों वह अपनी फिल्म द बिग बुल को लेकर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक ने बताया कि एक वक्त में वो बॉलीवुड से बिल्कुल दूर हो जाना चाहते थे। यही नहीं, उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ देंगे। अभिषेक के इस फैसले का कारण उनकी लगातार फ्लॉप हो रही फिल्में थीं। लोग भी अभिषेक को लेकर कई बातें कहते थे कि इसे एक्टिंग नहीं आती वगैरह वगैरह। फिर पिता अमिताभ बच्चन ने इस सिचुएशन में उन्हें संभाला। अभिषेक बच्चन ने कहा, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फेल होना बहुत कठिन होता है। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन तब मैंने मीडिया के जरिए पढ़ा था कि कुछ लोग मुझे मेरे काम को लेकर गालियां दे रहे थे, जबकि कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि मुझे एक्टिंग नहीं आती। तब उस समय मुझे लगा था कि यह मेरी गलती थी जो मैं इस इंडस्ट्री में आया, क्योंकि उस समय मैं जो कुछ भी कर रहा था वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। तब मैं अपने पिता के पास गया और मैंने उनसे कहा था कि शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बना हूं। आगे अभिषेक ने कहा, तब मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हें एक हारा हुआ इंसान बनने की शिक्षा नहीं दी है। तुम्हें हर रोज उठकर एक नई लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। एक एक्टर के तौर पर तुम्हारे अंदर हर फिल्म के साथ निखार आ रहा है, इसलिए सामने आने वाले हर रोल को तुम्हें लेना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बस काम करो और मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस पिता की इसी सलाह के बाद अभिषेक ने तय किया कि वो इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगे और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हर दिन लड़ेंगे, और आज तक उनका संघर्ष जारी है। बता दें कि हाल ही में अभिषेक की फिल्म द बिग बुल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। बिग बुल हर्षद मेहता की लाइफ पर आधारित है, जो शेयर मार्केट की बदौलत राजा और फिर रंक बन गया था। फिल्म में अभिषेक की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है। इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने बताया, पूरे परिवार ने मेरी फिल्म को पसंद किया, मेरे पिता ने कई शानदार बातें कही, इस कारण मैं पहले से ही खुश हूँ, क्योंकि एक आवाज जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है उन्होंने पहले ही फिल्म का समर्थन किया है, तो इसलिए मैं खुश हूँ। अभिषेक बच्चन ने बताया कि उनकी माँ ने यह फिल्म अपने बर्थडे यानी 9 अप्रैल को देखी थी। अभिषेक जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। अभिषेक जहाँ एक्टिंग में एक्टिव हैं, वहीं उनकी पत्नी लंबे वक्त से पर्दे से दूर हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।